MTV Big F with Gautam Gulati. सेल्फी तो आजकल सिर्फ और सिर्फ सेल्फी का जमाना है। जहां भी जाओ सिर्फ सेल्फी चल रही है। रोड पर जाओ तो सेल्फी, एयरपोर्ट पर जाओ तो सेल्फी, किसी क्लब में जाओ तो सेल्फी। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपनी बॉडी को लेके आज के टाइम पर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, स्पेशली गर्ल्स। 99% ऑफ गर्ल्स, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लुक्स, दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। या तो उनकी प्रॉब्लम है उनका कॉम्प्लेक्शन, या फिर उनको अपनी हाइट से प्रॉब्लम है, और मैक्सिमम लड़कियों की प्रॉब्लम बन रही है उनका वेट। यार मुझे एक बात बताओ, क्या मोटा होना क्राइम है? नहीं ना, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक सो। और अगर ऐसी इनसिक्योरिटीज आपके मन में अगर आती हैं, तो सबसे पहले तो आपके सपने, फिर आपकी फैंटेसीज, और फिर आपका जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून गर्व हो जाता है। अगर आप जिंदगी में सोचते भी हो ना कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उतना ही पीछे आ जाते हो। अगर ऐसी इनसिक्योरिटीज आपके माइंड पर जरा सी भी आती हो तो साड़ी जलंधर दी रजनी ले लो। वेट को लेके अपने थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई है, और बहुत ही बड़ा क्रश है उसका एक हॉट टेनिस स्टार के ऊपर जिसका नाम है अभिमन्यु सिंह। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर अभिमन्यु सिंह रज्जी के सामने आ गया तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, मुझे भी देखना है। क्या देख रहे हो? पता है मुझे मोटी हूं मैं, लेकिन बाय गॉड एक महीने के अंदर 10 किलो कम नहीं किया ना तो कहना। इसे कहते हैं ना रज्जी, सेक्सी पिक्चर। यू लुकिंग सो फ्लैब। शो आई मीन फैब दिखाना। ओह माय गॉड सो हॉट। इसकी ये सेक्सी टांगे ये ना मैं ऑनलाइन डालूंगी। द रिवेंज ऑफ द रेड ड्रेस रज्जी। रजी चल। क्या हुआ रजी, फट गई तेरी ड्रेस? लेकिन कोई नहीं, नया रिकॉर्ड बन गया। व्हाट रिकॉर्ड? वो पिछले बर्थडे पे जो मम्मी पापा ने ड्रेस दी थी ना, वो 9 मिनट में ही फट गई थी, लेकिन ये वाली पूरी 10 मिनट बाद फटी है। तो हुआ ना नया रिकॉर्ड। सही है सही है, दिखाना रजी। तुझे फोटो खींचनी है ना, तो फोटो खींच। पक्का? हम्म। क्या कह रही है रजी? इट्स ओके रमा, फोटो तो खींचनी है उसको। ग्रेट, व्हाट मोर, गो फॉर इट रजी। रज्जी, देख इधर, बैठ। क्या हुआ? कुछ नहीं। नेहा, श्वेता इतना मजाक बनाते हैं तेरा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है उनको? और बोलना तो दूर की बात है यार, तू खुद हंसती रहती है। ताकि वो मेरे पे ना हंसे। कम ऑन यार रज्जी, दिस इज सो नॉट फेयर। पता नहीं क्या समझते हैं वो दोनों अपने आप को। ऐसा नहीं है यार, शी इज माय फ्रेंड, और अगर उसके लिए थोड़ा बहुत मैं कर भी देती हूँ तो इट्स ऑल राइट। फाइन, आई एम सॉरी मैंने तेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ कह दिया। रियली? हाय फैरी, कहाँ जा रही है रोमा? तुम आगे तेरी बेस्ट फ्रेंड सुन तो। चल। व्हाट्स अप? नथिंग। क्या चल रहा है? इतने सारे गिफ्ट्स मम्मी पापा ने भेजे। हम्म। पार्टी का क्या सीन है? मैंने एक चीज सोची है रजी।
कि तेरे बर्थडे पार्टी में ना सब कपल एंट्री करेंगे. What say? लड़के आएंगे, कितना मजा आएगा. लड़के? Of course. तेरे पास पैसा है तो क्या हुआ, मेरे पास लुक्स है. ऐसा कोई लड़का नहीं जिसे मैं बुलाऊं और वो ना आए. बट मुद्दे की बात ये है कि तेरी डेट कौन बनेगा. वो हमारी एक क्लास में वो नर्ड है ना, क्या नाम है उसका, अर्जुन, अर्जुन अनुज. अनुज वो मोटू. तू कौन सी पतली है. जस्ट इमेजिन तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लगोगे ना, कॉलेज की डबल एक्सल जोड़ी. और तुम दोनों के बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह पोलर बेयर्स. प्लीज नेहा, मैं मोटी उसका मतलब ये नहीं किसी मोटे के साथ जाऊंगी. सपनों की दुनिया से बाहर निकल. तुझे क्या लगता है कि अभिमन्यु सिंह जैसा लड़का पोस्टर से बाहर आएगा और कहेगा रज्जी तुम बन जाओ मेरी पार्टनर. नेवर नो नेहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल. सीरियसली ये फिलोसफी झाड़ना बंद कर. यू नो व्हाट, अभिमन्यु से मिलना दूर, अगर तूने उसका ऑटोग्राफ भी ले लिया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी. वैसे भी वो बेचारा तो मोलेस्टेशन केसेस में फंसा हुआ है. प्लीज नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है. नहीं नहीं, तू ट्राई कर, करती रह, ट्राई करती रह, क्या पता शायद एक दिन वो तुझे अपनी गोद में. नहीं नहीं, उल्टा हो गया ना, वो तेरी गोद में बैठ जाए. मैं पार्टी की तैयारी करती हूँ. अभिमन्यु सिंह सिलेंडर में. शर्म आती है मुझे, गुस्सा आता है जब मैं ये देखता हूं कि लोग किसी के कॉम्प्लेक्शन पर, किसी की हाइट पर या किसी के वेट के बेसिस पर उसको जज करते हैं. You know what? ये सब जो चीजें होती है ना, भगवान की दी गई होती है, इसे आप बदल नहीं सकते हो. इन सब चीजों से थोड़ा सा हटके सोचो. हटके इन द सेंस यही सोचो कि सामने वाले का दिल कैसा है, सामने वाले की सोल कैसी है. अब नेहा को ऐसा लगता है कि रज्जी सिर्फ और सिर्फ एक मोटी लड़की है, पर नेहा को यह नहीं पता कि इस तगड़ी लड़की के अंदर एक 30 मार खां भी छुपा है, जो कि जो सोचती है वो करती है और करके ही दिखाती है. अब रज्जी का चैलेंज यह है कि उसको अभिमन्यु को ऑटोग्राफ लेना ही लेना है. सारे फैन थे तेरे, लोग कितना पागल हो रहे, किस किस को ऑटोग्राफ देगा. सिर्फ एक को, उसको. जल्दी
चलिए बाहर चलिए। सिक्योरिटी मैडम अंदर मत आना। अरे बॉल बॉय और अरे बॉल गर्ल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्पीड। वहां बॉल गिरा और यहां आपको भागना है बॉल उठाने के लिए। एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। राइट गॉट इट। चलें प्रैक्टिस करने के लिए। लेट्स गो टू द कोर्ट। कम ऑन। ए मोटी खेलेगी क्या? ए मोटी बॉल्स का ख्याल रखने के लिए कहा था। टेनिस बॉल्स। तुम यहाँ बहुत देर से हो। मैं चलती हूँ। रुको। तुम बॉल गर्ल हो? हाँ क्यों? कोई शक है आपको? आप चाहो तो कोच सर से पूछ लो। आपको डाउट हो रहा है? मैं आपको खड़े खड़े अभी 20 जंपिंग जैक्स मार के दिखा सकती हूँ। आप अभी देखो। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ देखने में ऐसे लगती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 7 8 नहीं मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। 9 10 हो गया। 16 चलो बैठो सिट। पहले पानी पी। पानी पी लो। कौन ठीक है? ओके ना? हाँ मुझे क्या होना है? तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे खा लिए थे ना और ऊपर बटर भी लगा लिया था और साथ में लस्सी भी ले ली थी तो थोड़ा मैसअप हो गया। लेकिन स्टैमिना बहुत है मुझ में। मैं ये 20 तो क्या एक साथ में 30 मार सकती हूँ। मैं चलती हूँ। बॉल बॉय और बॉल गर्ल होना प्रिविलेज नहीं है। यू हैव टू अर्न इट। ओके एंड कोर्ट पर रहने के लिए यू हैव टू बी फास्ट एंड एनर्जेटिक। ए यू कम हियर। सर वो मैं जा रही हूं। तुम बॉल गर्ल हो ना तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया। कम कम ऑन कम ऑन स्टैंड हियर। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। टू बी अ गुड प्लेयर यू नीड टू बी फास्ट। रिटर्न रिटर्न कम ऑन रिटर्न वन बाय वन कम ऑन रिटर्न। हां कम ऑन गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या है? Get that ball. Go. Come on. Okay. Return it. Good. Very good. Okay. Continue. Okay. Move up. Hurry up. Hurry. Come on. Get up, yaar. Ekdam fit. Oh, fit my foot. Back it back. Up. Hit. Hurry up! Girl is so lazy, yaar.
क्या बताऊं यार, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तूने देखा उसको? यार तुझे क्या बताऊं, मैंने क्या देखा? Oh my God, क्या देखा? वो शावर से निकला था, just in a towel. उसकी बॉडी ड्रिपिंग वेट. Simple. That neckline. It's not true. उसकी बैक. और बस क्या बस यार, वो मोया रैकेट बीच में आ गया था. सब में रैकेट कहाँ से आ गया? यार वो मैंने ही रखा था वहाँ पे, मैं खेल रही थी उसके साथ. किसके? अभिमन्यु के साथ? नहीं यार, रैकेट के साथ. काश अभिमन्यु के साथ खेलती. गॉड रजी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तू. अच्छा चल छोड़, रैकेट हट भी जाते तो क्या कर लेती. ओए हेलो, मुझे चैलेंज मत करा, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या करती हूँ उसके साथ. ओह माय गॉड, क्या क्या करती हो? ए रुक, ए लड़की. क्या? रुक. क्या हुआ? कल भगाया था ना तुमको? अरे भैया मैं बॉल गर्ल हूँ, मुझे अंदर जाना है. बॉल गर्ल? हाँ, अभी मनु जी ने बुलाया मुझे, अब जाके पूछ लो. अरे समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्यों पागल है उस अभिमन्यु के चक्कर में. क्यों? खबरों में नहीं देखा क्या टीवी पे? एक शरीफ लड़की की इज्जत बाहर डाल दिया था. रहने दो, वो सब बकवास होती है. मीडिया का पता नहीं आपको क्या क्या लिखते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं. सेलिब्रिटी है ना, ऐसे अच्छे इंसान को बदनाम करते हैं वो. और आपने आज से तो बोल दिया, आगे से मेरे सामने बिल्कुल उनके बारे में कुछ ना बोलना. वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है. हाँ, और उससे भी बड़ी बात, बहुत अच्छे इंसान है वो. क्या खेलते हैं, क्या बॉडी है, शोल्डर्स एकदम ब्रॉड. और एब्स देखे आपने उनके? एब्स पता भी आपको होते क्या है? और टांगे तो देखो उनकी, वो तो कल रैकेट आके था बीच में. हाय हाय अभिमन्यु जी. ओ मैं तो बस ऐसे. बस बॉल गर्ल का काम बकबक करना नहीं होता, प्लेयर की हेल्प करना होता. या टेक दिस और चलो. सर ये बॉल गर्ल कब से बन गई? तुमसे पूछा मैंने, निकलो. कम ऑन मिस बॉल गर्ल. वो आप मुझे सिर्फ बॉल भी बुला सकते हैं, मैं हूँ ना एकदम बॉल की तरह गोल में टोल. वैसे भी मनी जी मैं कह रही थी आप. हंसता के बॉल लेके घुसेड़ दूंगी तेरे मुंह के अंदर. मिस बॉल गर्ल, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया. कौन सा सीक्रेट? तुम्हें बॉल गर्ल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट किसी और चीज में, और वो चीज मैं तुम्हें जरूर दूँ, लेकिन एक शर्त पर. सब मंजूर है, आप जो भी बोलो. ठीक है, तो तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज करनी है. मैं तुम्हारी मदद करूंगा वेट लूज करने में, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दूंगा. ले, आप ऑटोग्राफ की बात कर रहे थे? हाँ, तो तुमने क्या सोचा? सॉरी नहीं नहीं, मैं भी ऑटोग्राफ की बात कर रही थी. वैसे ना हमारे इंडिया में ना दो चीजें कभी कम नहीं हो सकती, प्याज का रेट और अज्जी का वेट. यू डैम फनी है. प्याज के रेट का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा कि तुम्हारा वेट जरूर कम होगा, और लोगों के ताने भी. स्टे फिट फॉर योरसेल्फ. कम ऑन. थैंक यू. वैसे आज तक मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बहुत दौड़ाया है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से एक सही रीजन के लिए दौड़ूंगी. तुम्हारी बारी. अरे क्या तुम ही करते रहो, कम ऑन. नहीं मुझे नहीं चाहिए ऑटोग्राफ. अरे कम ऑन, चलो गेट अप.
सब खबर रखती हो तुम मेरी? नंबर वन फैन जो हूँ। वैसे हुआ क्या था? बस मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ पर वो बंदी भी आई हुई थी। वो फुल टल्ली थी, शी वाज टोटली ड्रंक। मेरे साथ डांस करने लगी है एंड सडनली शी किस्ड मी। मुझे कहने लगी कि मेरे साथ घर चलो। मैंने मना कर दिया। आई थिंक दैट हर्ट हर ईगो। उसने ले मेरे ऊपर ही डाल दिया। मैं तुम्हारी जगह होती ना उसके ऊपर ही बैठ जाती मैं। दम घुट के ही मर जाना था उसने। यार, तुम कैसे खुद का इतना मजाक उड़ा लेती हो? कोई मेरा मजाक उड़ाए ना, उससे पहले मैं अपना मजाक उड़ा लेती हूँ। और सामने वाले बंदे का ना इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। सीधा सीधा जाकर ना मीडिया को जाकर सब कुछ सच सच बता दो, और उसके बाद देखना उनका इंटरेस्ट आप पे लूज हो जाना है। कोई स्कैंडल ही नहीं बचना फिर तो। चलो लेट्स गो। अरे क्या हुआ? बस अब बोल। ओके ओके ओके, जस्ट स्प्रेड योर हैंड्स। ओके, यहाँ पे हुआ है? हाँ, इट्स योर। ओके ब्रीथ, आओ सीधा करो। या नाउ ब्रीथ, स्ट्रेटन योर। क्या कर रही हो? नहीं सॉरी, वो तुम्हारी पॉकेट में जो टेनिस बॉल है वो चुभ रही थी। आई एम सो सॉरी, अभी मेरी गलती से। सो स्टूपिड। कम ऑन, चलो इट्स ओके, कम। तुम चलो, मैं बैग लेकर आता। जी जल्दी कर, लेट हो रहे हैं डिनर के लिए। क्या कर रही है? तो मिस रज्जी, मिला आपको ऑटोग्राफ? उससे भी बहुत बड़ा मिला। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। बड़ा नहीं, ज्यादा। क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे बहुत ही प्यारा है। रियली? ओह माय गॉड। अभिमन्यु सिंह, तुम्हारे बर्थडे पे? हाँ। That's impossible. Miss Neha, I think it's possible. वो क्या कहा था तूने कि तू अपना नाम बदल लेगी, right? कुछ अच्छा सा नाम सोच ले जल्दी, क्योंकि अब वो इसकी बर्थडे पार्टी पे आने वाला है। वो तो देखी जाएगी। हाय अभी। हाय। तुमने बुलाया मुझे प्रैक्टिस के लिए? फिर हाँ, एक तन्वी। ये क्या है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे? तो तुम पार्टी पे नहीं आ रहे हो? अरे आ रहा हूँ बाबा, देखो तो सही। कम ऑन, ओपन इट। कम ऑन। वाओ, थैंक यू अभी। डोंट वरी, ये एक साइज छोटी नहीं है। मैं कैसे पता मेरा साइज? टू मेनी स्मार्ट क्वेश्चंस, जाओ और पहन के दिखाओ। कम ऑन। ओके। Wow.
You look beautiful. हाँ। ये टैग तो निकला ही नहीं। अभी ये मीडिया वाले क्यों आए हुए बाहर? अब मिले एक जूस लेके आओ। That's all. तुम रूम सर्विस से हो? वाह, बड़ी स्टाइलिश रूम सर्विस है। अच्छा, इनके लिए जूस और मेरे लिए कॉफी ले। ये तन्वी ने बुलाया क्या मीडिया को? तो मैं तो गई नहीं। अच्छा प्लीज ये मग ले जाना प्लीज। तू देख क्या मीडिया क्यों आई है, मैं तेरा वॉशरूम का। टेंशन क्यों ले रही है? जी स्माइल इट्स योर बर्थडे। अच्छी वाली क्या चल रहा है? वो रजी तू कह रही थी अभिमन्यु सिंह आएगा, आया नहीं अब तक? अरे रज्जी को बात तो सुनने दो मेरी। रज्जी भूल मत, ये ना एक लड्डू कभी गोरमे चॉकलेट नहीं बन सकता। वैसे तू कहे तो मैं अनुज को बुला लेती हूँ। बस कर यार नेहा, तू कुछ ही बोली जाती है, तुझे दिखता नहीं है यार। I feel bad, I feel hurt। मैं कोई गोरमे चॉकलेट नहीं हूँ, कोई लड्डू नहीं हूँ, मैं सिर्फ रज्जी हूँ। नहीं तो मैं भी बोल रही हूँ, तू सिर्फ रज्जी है and you're fat. Accept it. मुझे पता है सच क्या है, तुझे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और तू खुद क्या है? सिर्फ एक हॉट लड़की है ना, और कुछ नहीं। वाह रज्जी वाह, तू भी क्या इमोशनल स्पीच देने लगी है इस बहन जी के साथ रह रही। तू चुप कर, रोमा के बारे में कुछ बोलो ना, तो देख लो वरना मैं क्या करती हूँ। कम डाउन रज्जी, वरना क्या कर लेती तू? एक ऑटोग्राफ, सिर्फ एक ऑटोग्राफ तो ला नहीं पाई तू, और सपने देख रहे हैं अभिमन्यु को इस पार्टी में लाने के। रज्जी ये दुनिया ना सिर्फ शो ऑफ की है, यहाँ पर फेस वैल्यू, हॉट फिगर, यही सब चीजों पर मरते हैं लड़के। यू नो व्हाट, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो तू देखती कि अभिमन्यु कैसे मेरे आगे पीछे भागता है। अभिमन्यु जैसा लड़का है ना, तुम जैसे मोटियों को घास भी नहीं डालती। इनफ नेहा इनफ, तुम समझती क्यों अपने आपको? हाँ वो कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि you'll just guess what guys, gift है रज्जी के लिए, वो भी अभिमन्यु सिंह का। अच्छा अच्छा ये भी अच्छा है, खुद तो आया नहीं, बॉल भेज दी। मिस्टर अभिमन्यु सिंह, ये लो पकड़ो अपनी बॉल, आई डोंट नीड दिस, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। जी तुम गलत समझ रही हो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं ठीक समझ रही हूँ अभिमन्यु, You're just upset to be Manu. तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई मेरे साथ देखे, तुम्हारा दोस्त या मेरे फ्रेंड्स मेरे बर्थडे पे तुम्हें एक मोटी लड़की के साथ देखे। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है रज्जी, तुम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती। कभी तुमने सोचा है कि इसका रीजन कुछ और हो सकता है? तुम्हारा मोटापा नहीं, वहाँ मीडिया वाले थे, अगर वो हमें साथ में देख लेते तो एक और कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता। रज्जी पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, एक्सेप्ट करो खुद को जैसी तुम हो। तुम क्या मुझे रियलिटी की बात बता रहे हो मनु? तुमने क्या खुद को कभी एक्सेप्ट किया? अपनी आइडेंटिटी को फेस किया? स्टॉप इट रज्जी। स्टॉप व्हाट? स्टॉप व्हाट अभिमन्यु? यू आर जस्ट अ कावर्ड। तुम सिर्फ एक कावर्ड हो। फटो तुम। स्टॉप इट। स्टॉप इट रज्जी। नहीं तो फटो। जस्ट स्टॉप। स्टॉप इट। स्टॉप इट। Thank you.
आप। क्या हुआ रची? कहते हैं जब लाइट बंद हो जाती है ना तो फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की पतली है मोटी है कैसी है, लेकिन मैं अब और इस अंधेरे में नहीं रहना चाहती और ना मैं तुमको रखना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बार ही देख लो इन द लाइट और उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुमको आगे जाना है। This is me. हैप्पी बर्थडे। ये पिक मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हम फिर मिलेंगे ना? पता नहीं, लेकिन टच में तो रहेंगे। आई डोंट नो, मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है और तुम्हें भी अपने टेनिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाकी विल फिगर। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मीडिया को फेस करूंगा। आई टेल देम द ट्रूथ। एंड यू नो व्हाट रजी, ये हिम्मत मुझे तुमसे ही मिली है। रियली, अगर इसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो एनीथिंग। हाँ, एक चीज दे सकते हो तुम मुझे। क्या? गॉड, सच्ची कहाँ रह गई है? जी कहाँ थी तू यार? पता मुझे कितनी टेंशन हो गई थी तेरी। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तू फोन में घर पे छोड़ के चली गई। क्या? कहाँ थी? और कुछ खाया तूने पूरी रात? बैठ, मैं चेंज करके आता हूँ। रज्जी, तो कुछ ब्रेकफास्ट का कह रही थी ना, कुछ ऑर्डर करे यार, बहुत भूख लग रही है। तो कुछ खाओगे क्या? हमें भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। चले कुछ खा लो ना यार, कुछ तो खा लो यार। अरे नेहा, अरे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज ना हो,
हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती ही होती है, पर ये आप लोगों के हाथों में होता है कि आप उन इनसिक्योरिटीज को अपनी लाइफ पर कितना हावी होने देते हो। और अगर आप थोड़ी सी अपने दिल की सुनो, थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, तो आप ट्रस्ट मी उन इनसिक्योरिटीज को ओवरपावर भी कर सकते हो। और यही रज्जी और अभिमन्यु ने भी किया, और अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको किसकी सुननी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट राइट नाउ, और आपको तो पता ही है कि मैं जाते जाते क्या बोलने वाला हूं। मेरा नाम है गौतम।